हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है, शोल्डर है 5 इंच, आर्म होल है 5.5 इंच और ये ब्लाउज 34 साइज पे है, 34 साइज पे 34 का 1/4 लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे, कमर का 1/4 लेंगे 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए, गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच और गले की लंबाई रखेंगे 10 इंच, 10 इंच गले की लंबाई रखना है और फिर नीचे से विड्थ लेंगे हम 3 इंच और निशान को बराबर में इस तरह से मिला देंगे। ऊपर से भी निशान को बराबर में इस तरह से मिला देना है और इसी निशान पे अब हम गले का शेप दे देंगे। तो देखिए, मैंने गले का शेप अच्छे से कर दिया है, अब एज इट इज़ इस पर कटिंग कर लेना है। कटिंग मैंने कर लिया है, अब मेन फैब्रिक को भी लेना है डबल फोल्ड करते हुए और गले पर इस तरह से बराबर में कटिंग करेंगे और अब दोनों फैब्रिक को बराबर में फैला कर इस तरह से रख लेना है और गले पर अच्छे से पिनअप कर लेंगे। तो गले पर मैंने अच्छे से देखिए पिनअप कर लिया है, अब दोनों फैब्रिक को सिलाई करके जॉइंट करेंगे और नीचे से जो हमारा मेन फैब्रिक है इसकी सीधी साइड ऊपर की ओर करते हुए रखेंगे और गले पर 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं गले की सिलाई मैंने बराबर में कर दिया है, अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को और एक्स्ट्रा जो धागा है इसे कट कर लेंगे सेंटर की। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है, अब अस्तर कपड़े को इस तरह पलट लेना है। इसके पहले देखिए छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे हम पूरे गले के डिज़ाइन पे, ताकि जब हम अस्तर कपड़े को उल्टे तरफ पलटेंगे तो नेक का फिनिशिंग बिल्कुल बराबर में आए। और अब हम अस्तर कपड़े को उल्टे तरफ बराबर में पलट लेंगे, तो इस तरह से बराबर में पलट लेना है और फिर कॉर्नर की सिलाई कर लेना है। तो देखिए गले की सिलाई मैंने अच्छे से कर दिया है, अब दोनों फैब्रिक को बराबर में सिलाई करके जॉइंट करेंगे, एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और ब्लाउज वाले पार्ट को उल्टे तरफ पलट लेंगे और साइड से सिलाई करते हुए दोनों फैब्रिक को जॉइंट करेंगे। हाथ से कपड़े को बराबर करते जाएंगे और फिर साइड से सिलाई करते हुए दोनों फैब्रिक को जॉइंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ फैब्रिक को सिलाई करते हुए जॉइंट कर लिया है, अब साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है इसे कट कर लेंगे और इसी तरह से हम बाकी सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट करेंगे। तो चारों तरफ मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है, अब इस पर टक्स की सिलाई करेंगे, साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और टक्स की सिलाई करेंगे। टक्स की लेंथ 4.5 इंच रखनी है, 4.5 इंच और इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी फोल्ड करेंगे और टक्स की सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ टक्स की स्टिचिंग हो चुकी है, अब हम नीचे के साइड कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी लेंगे और कमर पट्टी को देखिए मैंने एक साइड से फोल्ड कर लिया है और फिर कमर पट्टी को बराबर में 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और पट्टी को इस तरह पलट लेना है और पट्टी के ऊपर से ही एक सिलाई करना है। तो देखिए सिलाई मैंने लगा दिया है, अब कमर पट्टी को उल्टे तरफ पलट कर इस पर हम चाहे तो डायरेक्ट तुरपाई कर सकते हैं या फिर रफ स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए मैंने रफ स्टिच लगा दिया है, अब इसे देखिए इस तरह से सेंटर से बराबर में फोल्ड करना है और अब हम लेंगे पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए बैक पार्ट के नीचे के साइड इस तरह से रखेंगे और गले पर एज इट इज ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से नेक पर बराबर में निशान लगा लेना है, बैक पार्ट को हमें हटा देना है और फिर देखिए इसके साइड से जो हमने ड्रॉ किया है निशान, इसके साइड से 1.5 इंच पे यानी 1.5 इंच पे निशान को लगाएंगे इस तरह से बराबर में पूरे नेक के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और इस निशान को अच्छे से गहरा कर देंगे। तो देख सकते हैं मैंने निशान को गहरा कर दिया है, अब साइड से जो हमने निशान लगाया है इस पे एज इट इज कटिंग करेंगे। कटिंग मैंने कर लिया है, अब इस निशान को दूसरे साइड पे अच्छे से इस पे ड्रॉ कर लेना है। दोनों साइड मैंने अच्छे से बराबर में ड्रॉ कर लिया है नेक को और अब हमें लेना है कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक। तो मैंने इस तरह से कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लिया है, आपके पास अगर बॉर्डर वाले डिज़ाइन हो तो आप बॉर्डर वाले डिज़ाइन को जॉइंट लगाकर इस तरह से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको ऊपर देखिए मैंने पिनअप कर लिया है पेपर पेस्टिंग को रखते हुए और जो हमने सेंटर पे गले का निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर हमें एज इट इज सिलाई करना है। तो देखिए सिलाई मैंने बराबर में कर दिया है, एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और पेपर पेस्टिंग के दूसरे साइड से भी सिलाई करते हुए हम कॉन्ट्रास्ट वाले फैब्रिक के साथ जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने बराबर में जॉइंट लगा दिया है, अब एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है इसे एज इट इज कटिंग करना है पेपर पेस्टिंग के अकॉर्डिंग। तो देखिए पेपर पेस्टिंग के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन को यानी जो हमारा फैब्रिक है एक्स्ट्रा इसे कट कर लिया है, अब जो सेंटर का एक्स्ट्रा पार्ट है इसे भी हमें कट कर लेना है इस तरह से।
तो देख सकते हैं मैंने सेंटर का एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है। अब ये डिज़ाइन को हमें अब साइड करना है। इसके दूसरे डिज़ाइन के लिए हमें एक पट्टी लेना है। इस तरह से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और साइड से इसे फोल्ड करेंगे, यानी सेंटर से इसे फोल्ड करेंगे और पतली डोरी हम इसे सिलाई करते हुए बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं डोरी को मैंने अच्छे से सिलाई कर लिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे और साइड से देखिए एक्स्ट्रा धागा निकला है, इसे भी हमें अच्छे से कट कर लेना है ताकि डोरी पलटते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो साइड से देखिए मैंने एक्स्ट्रा धागे को कट कर लिया है। अब हम इसे सीधा कर देंगे। डोरी को इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं डोरी को मैंने बराबर में सीधा कर दिया है। पतली से डोरी बनके हमारी ये रेडी हो गई है। अब इसके दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और डिज़ाइन के लिए अब हम डोरी को कट करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम पहले डिज़ाइन के लिए डोरी को कट करेंगे। तो 3.5 इंच की लेंथ रखते हुए डोरी को हमें कट कर लेना है। इस तरह से 3.5 इंच की लंबाई रखते हुए डोरी को कट करेंगे। तो डोरी को मैंने बराबर में कट कर दिया है। अब हम ब्लाउज वाले बैक पार्ट को लेंगे और जो हमने पेपर पेस्टिक के साथ नेक वाले डिज़ाइन को रेडी किया था, इस वाले डिज़ाइन को नीचे का साइड हमें इस तरह से रखना है। चाहे तो आप इस तरह से करते हुए उल्टे तरफ करते हुए भी पेपर पेस्टिंग को बराबर में रख सकते हैं और अच्छे से सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए इस पर पिनअप कर लेंगे और साइड से सिलाई करते हुए इस तरह से बराबर में एक पैर का मार्जिन जितना छोड़ते हुए पेपर पेस्टिंग को गले के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सिलाई करते हुए इसे ज्वाइंट करेंगे। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से पेपर पेस्टिंग को ज्वाइंट कर लिया है बैक पार्ट के साथ। ऊपर के साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है, इसे कट करेंगे और पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स मैंने लगा दिया है। अब हम पेपर पेस्टिंग वाले डिज़ाइन को इस तरह से पलट लेना है सीधे तरफ। तो देखिए सीधे तरफ मैंने बराबर में पेपर पेस्टिंग वाले डिज़ाइन को पलट लिया है। अब इसके कॉर्नर से हमें कॉर्नर की सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से देखिए फिनिशिंग के साथ हमें कॉर्नर की सिलाई कर लेना है। कॉर्नर की सिलाई मैंने अच्छे से इस तरह से लगा दिया है। अब पेपर पेस्टिंग के दूसरे साइड से भी सिलाई करके इसे अच्छे से ब्लाउज वाले पार्ट के साथ पक्का कर लेंगे। तो देख सकते हैं पेपर पेस्टिंग वाले डिज़ाइन को मैंने ब्लाउज वाले बैक पार्ट के साथ ज्वाइंट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो जो हमने डोरी कट किया था उस वाले डोरी से हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमें पहले करना है ब्लाउज वाले बैक पार्ट को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है और फिर सेंटर पे पहले निशान लगाएंगे और इसके साइड से हमें 2.5 इंच पे यानी 2.5 इंच पे निशान इस तरह से लगाते जाना है ऊपर तक। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी निशान लगाएंगे और फिर जो हमने डोरी बनाया है इस वाले डोरी को देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है और उसी निशान पर हमें एक एक डोरी को इस तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे और सिलाई करके हमें ब्लाउज वाले बैक पार्ट के साथ ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे डिज़ाइन को ब्लाउज वाले बैक पार्ट के साथ सारे लूप्स को ज्वाइंट कर लिया है। साइड से जो एक्स्ट्रा लूप्स निकला है यानी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है इसे कट कर लेंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं सारे डिज़ाइन को मैंने अच्छे से बना लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इस पर हम लगाएंगे लेस। तो गले के कॉर्नर पे जो हमारा पेपर पेस्टिंग वाला डिज़ाइन है और लूप्स के डिज़ाइन के सेंटर पे हमें इस तरह से लेस को घुमाते हुए बराबर में सिलाई करके लेस को ज्वाइंट करेंगे। तो देख सकते हैं लेस को मैंने अच्छे से सिलाई करके ज्वाइंट कर लिया है। अब लेस को दूसरे साइड से भी सिलाई करके लेस की फिनिशिंग अच्छे से कर देंगे इस तरह से। लेस के दोनों साइड से सिलाई करते हुए लेस की फिनिशिंग मैंने अच्छे से कर दिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे। तो ब्लाउज के गले की सिलाई हमने कर लिया है। अब इस पर हम बटम अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 100 बटम लिया है। तो इस तरह से आप चाहे तो 100 बटम ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसके सेंटर पे मोती भी अटैच कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे लूप्स के सेंटर पे बटम को हैंड स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे लूप्स के सेंटर पे बटन अटैच कर दिया है हैंड स्टिच करते हुए। और ऊपर की ओर चाहे तो आप लटकन लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेडीमेड लटकन यूज़ किया है।
तो फ्रेंड्स आज की ये ब्लाउज की डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ब्लाउज की डिज़ाइन पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।